इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप ने शुक्रवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो प्यार व वोट का समर्थन देकर मुझे विधायक बनाया है, इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों का निवारण करवा सकूं। और इसी कड़ी में हर शुक्रवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में समस्याएं व शिकायतें लेकर लोग उनके पास आते हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम में आई अधिकांश शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया जाता है और कुछ समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन के माध्यम से हल करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले और किसी को असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने व प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले और समय अवधि में उनका समाधान करें। अधिकारी व कर्मचारी विशेष ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। इंद्री से संवाददाता अमित सरोहा की रिपोर्ट। कोई इंद्री की जनता ने अपना वोट और सपोर्ट देकर के मैंने से मुझे विधायक बनाया। ये मेरी ड्यूटी बनती है भी मैं इंद्री का हर तरह से इसका ख्याल रखूं, इनकी समस्याओं का ध्यान रखूं, समस्याओं का समाधान कराऊं। तो इस कड़ी मैंने हर शुक्रवार का मैंने दिन निश्चित किया इंद्री के लिए, रेस्ट हाउस इंद्री जहाँ पर हम खड़े हैं। तो हर शुक्रवार को मैं आता हूँ स्पेशल रूप से यहाँ पर समस्या सुनने के लिए। वैसे तो मैं हर रोज़ इंद्री में हूँ, प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरे धन्यवाद हो रहे हैं, कोई ब्याह है, शादी है, फंक्शन है, मैं तकरीबन इंद्री हल्के में हूँ मतलब। और मैं सवेरे 8 बजे से निकलता हूँ समस्या सुनने के लिए, 8 बजे घर जाता हूँ। तो आज उसी कड़ी में शुक्रवार को, आज शुक्रवार है, उस कड़ी में मैं आज आया हूँ। आप सभी देख रहे हैं मतलब काफ़ी संख्या में हमारे आज इंद्री हल्के से हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर सपोर्टर आए हुए हैं, जनता आई हुई है अपनी समस्या लेकर के। मैं एक एक करके मैं जन समस्या सुन रहा हूँ, जिसका मतलब मौके पे समाधान हो रहा था, मौके पे समाधान कर रहा हूँ। जिसका लगता है भी फ़ोन करके मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी इन समस्याओं से, इनसे मिलने के बाद तो मैं फिर आराम से बैठ करके जिस भी अधिकारी कण की समस्या से संबंधित है उसको फ़ोन करके उसको मैं समस्या का समाधान करने का काम करूँगा। और फ़ोन नंबर इनके एप्लीकेशन सभी के हैं, सभी जो शिकायत करता है या जिसकी शिकायत है उसको मैं फिर उनसे फ़ोन करके जो भी मतलब वो बताएंगे तो उसी हिसाब से मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो ज़्यादा समस्या काफ़ी तरह की समस्या है, किसी की बिजली कनेक्शन की समस्या है, किसी की वो जो है बीपीएल कार्ड की समस्या है, सबसे ज़्यादा ये बेरोजगारी की समस्या आ रही है। सभी मतलब चाहते हैं जिनको रोज़गार मिले। अब ये पक्की नौकरी नहीं मांग रहे, उन्हें पता पक्की नौकरी तो अब कैसे लगती है हरियाणा में, तो पक्की नौकरी की जगह अब कच्ची नौकरी मांग लेंगे। वो कहते हैं जी डीसी रेट पर लगा दो, हमें डेली रेट पे लगा दो, आउटसोर्सिंग पे लगा दो। मैं कहता अभी जगह नहीं है। कहते हैं जी वो एसडीओ कह रहा था, वो जेई कह रहा था। अभी इनको अफसर लोग भी इनको गुमराह कर रहे हैं। वो अपने से भला तारने के लिए एमएलए के पास देते हैं, एमपी के पास भेज देते हैं। कुछ पोस्ट खाली है, पोस्ट खाली तो है, लाखों की संख्या पोस्टें खाली कर, पर उनको किसी को लगाने की सैंक्शन नहीं है, मतलब वहाँ पर पावर नहीं है, इसलिए लेके जाते हैं। कुछ अतिक्रमण हो रहा है, कुछ गाड़ियां लेके हो रहा है। तो बाकी ठीक है, जिसकी ड्यूटी है। अब ज़्यादातर सड़कों पे, फुटपाथ पे ही पहुंच लिया है सारा अतिक्रमण जी। अभी वही बात है, अगर ये नगर पालिका के संज्ञान में लाएंगे, जिसकी भी ड्यूटी है इसको हटाने की या देखने की उसकी ड्यूटी लगाएंगे, मतलब वो अतिक्रमण ना हो। और बाकी अतिक्रमण के साथ साथ मतलब भीड़ भड़ाक में नहीं हो, मतलब गड्डी जहाँ पार्किंग की जगह वहाँ खड़ी करें ताकि जनता को आने जाने वालों को असुविधा नहीं हो, जनता को ज़्यादा सुविधाएं मिले, इनको कोई असुविधा नहीं किसी तरफ की हो। ये हमारा प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास है, सरकार का है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ही प्रयास है भी किसी को भी मतलब सुविधा नहीं हो और सभी को मूलभूत सुविधाएँ मिलें। तो ये हमारा प्रयास है, प्रयास रहेगा। मैं इसको संबंधित अधिकारी को इसके बारे में मैं इसके ला करके कहेंगे भी ये चल रहे हैं, इनको रोका जाए भी, जनता को इनके आने से असुविधा नहीं होनी चाहिए और हमारी सड़कें टूटे ना मतलब। शहर में तो एंट्री JBD बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।